हे व्हाट्सअप एवरीबॉडी गाइस, और स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो आज मैं लेकर आ गया हूँ एपिसोड 10। तो एपिसोड 10 ज़रा सा भी डब नहीं हुआ है हिंदी में, तो मैंने सोचा इसकी कहानी बता दूँ। तो यार अपने पॉपकॉर्न ले लो और शुरू करते हैं। तो वीडियो की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है कि कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर्स एक पहाड़ को तोड़ रहे होते हैं, फिर वो रास्ता ब्लॉक हो जाता है। तो उस ब्लॉक रास्ते का डायवर्जन वो लोग एक टनल से निकालते हैं, और वो टनल का नाम होता है मामियाना। फिर वो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स बात कर रहे होते हैं उस मामियाना टनल के बारे में, जहाँ पर बहुत सारे भूत कैद हैं। तो अगले सीन में ये दिखाया जाता है कि हाजी में स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी पर टेम्परेचर चेक करने जा रहा होता है, ऐसा उसको मिस्टर सकाटा ने कहा होता है। तो फिर वो स्कूल के पीछे वाली पहाड़ी का टेम्परेचर चेक करता है और अपने पैड में नोट डाउन करता है। तभी एक कौवा उसके पीछे से जाता है और हाजी में डर जाता है। फिर हाजी में घर जा रहा होता है, तभी उसे वो बोर्ड दिखता है कंस्ट्रक्शन का कि आगे रास्ता बंद है, आप टनल से जाइए। तो वो टनल की तरफ जा रहा होता है, लेकिन वो डर जाता है और पीछे भागने लगता है। तभी पीछे से उसके एक टैक्सी आती है और टैक्सी उसे टनल में घुसाने की कोशिश करती है। तो वो इतना डर जाता है कि वो बीच रास्ते से ही भाग जाता है कंस्ट्रक्शन के साइट की ओर। फिर कंस्ट्रक्शन साइट के वर्कर्स उससे पूछते हैं कि वो यहाँ पर क्यों आया है, लेकिन हाजी में छुप रहता है। तो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स उसे जाने की इजाज़त दे देते हैं वो कंस्ट्रक्शन साइट से उसके घर की ओर। फिर अगले दिन हाजी में ये बात सात्सुकी को बताता है, और फिर सात्सुकी मजाक उड़ाती है उसका लियो के सामने। फिर उसी दिन हाजी में अपने दोस्तों के साथ फिर से पीछे वाली पहाड़ी पर टेम्परेचर चेक करने जा रहा होता है। फिर रास्ते में उन्हें भी वो बोर्ड दिखता है और वो लोग मामियाना टनल से जाते हैं। जब वो लोग टनल के निकल रहे होते हैं, तभी उस टनल से वही टैक्सी आती है। फिर उनके पास टैक्सी रोक कर टैक्सी का ड्राइवर उनसे पूछता है कि उन्हें लिफ्ट चाहिए या नहीं। वो सब लोग हाँ कह देते हैं और उसकी टैक्सी में चले जाते हैं। फिर सब लोग उसकी टैक्सी में बैठकर जा रहे होते हैं उनके घर। तभी लियो उससे पूछता है कि उसने ये टैक्सी कब खरीदी, क्योंकि उसे शक होता है कि ये पुराना मॉडल है। तो वो ड्राइवर इस पर बोलता है कि उसने 2 महीने पहले ही ये टैक्सी खरीदी है, और फिर लियो की बात टालकर कहता है कि हम पहुंच गए हैं। लियो पूछता है कहाँ, तो टैक्सी ड्राइवर भूत बन के कहता है मामियाना टनल की एंट्रेंस पर, और वो टैक्सी भगाकर उस टनल के अंदर लेकर जाता है। सात्सुकी और उसके दोस्त टैक्सी से बाहर मामियाना टनल के अंदर पड़े हुए मिलते हैं। फिर वो लोग उठ खड़े होते हैं। फिर ममो को सबको बताती है कि कोई तो काली चीज़ उनकी तरफ आ रही है। तो फिर सब लोग डर के मारे भाग जाते हैं। भागते भागते वो देखते हैं कि सामने से भी वो काली चीज़ आ रही है, और वो काली चीज़ उन्हें घेर लेती है और अपनी दुनिया में लेकर चली जाती है। फिर सब लोग अलग अलग जगह पे पड़े हुए मिलते हैं, और सब लोग उठ जाते हैं तो देखते हैं कि वो मामियाना टनल के एकदम अंदर है। फिर सात्सुकी का बिल्ला काया उससे इस टनल के बारे में बताता है, और वो भूत का नाम भी बताता है। वो कहता है कि ये अनामा नेकी है। जिन जिन लोगों की मौत इस टनल में हुई है, उनकी आत्मा इस टनल में कैद है, और वो बाहर के लोगों को अपना शिकार बनाती है। काया की बात सुनकर सात्सुकी डर जाती है, और वह अपने मॉम की डायरी में ढूंढती है। फिर सात्सुकी को उस मामियाना टनल के बारे में उस डायरी में लिखा हुआ मिल जाता है, लेकिन वो किसी काम का नहीं होता, क्योंकि उस डायरी में लिखा हुआ होता है कि सात्सुकी के मॉम ने उस अनामा नेकी को स्पिरिचुअल नींद में सुलाने की कोशिश की थी, लेकिन वो इतनी ताकतवर थी कि उसकी मॉम को ही खींच रही थी, इसलिए वो वहाँ से भाग गई। बस इतना ही लिखा हुआ होता है, और आगे लिखा हुआ होता है कि उस टनल के पास नहीं जाना चाहिए। तो ये बातें सात्सुकी की कोई काम की नहीं होती, क्योंकि वो पहले से ही उस टनल के अंदर आ चुकी है और बाहर निकलना नहीं जानती। फिर वो केचिरो को जगाती है और देखती है कि अनामा ने की वो भूत अपनी यादें दिखा रहा होता है। जिन जिन लोगों की उस टनल में मौत हुई रहती है, उन सब की यादें वो अनामा ने की दिखाता है। दूसरी तरफ हाजी में लियो को ढूंढ लेता है, और ममो को जा गिरी होती है। वो एक कब्रिस्तान होता है,
और वहाँ पर एक कब्र होती है। मोमोको देखती है कि उस कब्र पर एक आदमी का फोटो होता है और एक बूढ़ी औरत उस फोटो के सामने फूल रखते हुए चली जाती है। तो मोमोको ने एक संतरा बचाया हुआ होता है उसके स्कूल के लंच से, तो वो संतरा उस कब्र के पास रखती है और हाथ जोड़ती है। तभी एक छोटी बच्ची मोमोको के पास आती है और उसी कब्र पे कुछ और संतरे रख देती है। फिर यादें देखते देखते सब लोग कमज़ोर पड़ने लगते हैं, उनके अंदर की ताकत चली जाती है। तभी सात्सुकी की मॉम काया को मोमोको से बात करने लगती है और उसे कहती है कि ये एक छलावा है यानी इल्यूजन। वो कहती है कि उठो और अब आँखें खोलो और देखो अपने आसपास, तुम्हें एक कब्र दिखेगी जिस पर तुम्हारा नाम लिखा है। किसी भी तरह से उसे तोड़ो, अपनी इमेजिनेशन से कुछ भी करो और उसे तोड़ो। फिर मोमोको वैसी ही करती है, वो अपने कब्र को तोड़ देती है और सबसे कहती है कि इमेजिन करके अपनी कब्र को तोड़ दो। सब लोग अपनी अपनी कब्र तोड़ देते हैं और मामियाना टनल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन वो पूरे बाहर नहीं आते, वो अभी भी अंदर ही फंसे हुए रहते हैं। फिर वो अनामा ने की जो भूत है वो उन्हें फिर से अंदर खींचने की कोशिश करता है। तभी वो टैक्सी वहाँ पर फिर से आती है और वो टैक्सी ड्राइवर कहता है उन्हें अंदर बैठने के लिए, लेकिन सब लोग उसे ना कह देते हैं। तभी मोमोको सबसे कहते हैं कि अंदर बैठने के लिए, क्योंकि उसने उस टैक्सी ड्राइवर की कब्र पर एक चढ़ावा रखा था जो कि संतरा था। उससे वो टैक्सी ड्राइवर उनकी मदद करने लगता है और उन्हें उस टनल से बाहर लेकर चला जाता है। फिर वो टनल से बाहर लेकर आता है और उन्हें अपनी कहानी बताता है कि उसकी मौत कैसे हुई थी। वो कहता है कि उस दिन उसकी बेटी का बर्थडे था, बहुत तेज़ की बारिश हो रही थी, उसे जल्दी से अपने घर जाना था, तो उसने टनल से शॉर्टकट लेने का फ़ैसला किया, लेकिन टनल के अंदर से एक ट्रक आ रहा था जिसने उसे उड़ा दिया और उसकी मौत वहीं पर हो गई थी। इतना कहकर वो टैक्सी ड्राइवर उन सबको टनल के बाहर छोड़कर चला जाता है और फिर सब लोग खुशी खुशी अपने घर पे चले जाते हैं। इसीलिए कहते हैं दोस्तों, अच्छा करो और अच्छे बनो। तो इसी के साथ एपिसोड 10 हमारा यहीं पर ख़त्म हो गया। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में ऐसी कहानी लेकर। गुड बाय।